Namaste, I am Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayati Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from Applied Mechanics, which is motion of rotation based numericals. The first question says a wheel starts from rest and the resolve with an acceleration of 0.5 radian per second square. What will be its angular velocity and angular displacement after 10 seconds? So, यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो गिवन है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू 0.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है. टाइम टी मुझे 10 सेकंड गिवन है. तो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है, ठीक है. यहाँ पे मैं सारी ओमेगा और अल्फा और टी की वैल्यूज रख दूंगी, तो उससे मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मेरे पास कितना होता है, क्या होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर होता है. यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज रखूंगी तो मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू 25 रेडियन आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अ व्हील इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 45 आरपीएम टू 90 आरपीएम इन 30 सेकंड्स. फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील्स इन दीज 30 सेकंड. तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमको कितनी गिवन है, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 45 आरपीएम गिवन है. इसको मैंने रेडियन पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा. वैसे ही फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना गिवन है, 90 आरपीएम गिवन है. इसको भी रेडियन पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 3/5 रेडियन पर सेकंड बन जाएगा. टाइम टी इक्वल्स टू कितना गिवन है, 30 सेकंड गिवन है. अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील निकालना है. तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. इसमें मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.055 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी. नेक्स्ट हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील इन 30 सेकंड्स. तो उसके लिए हम पहले सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर. इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास थीटा कितना आ जाएगा, 67.55 रेडियन आ जाएगा. अब हमको पता है कि 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है. तो इसके अब अगर मेरे पास 67.55 रेडियन है तो उसको मुझे रिवॉल्यूशन में चेंज करना, तो मैं 2 पाई से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास 33.75 रिवॉल्यूशन मेरे पास आंसर आ जाएगा, जो कि मुझसे पूछा गया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई व्हील इज मेकिंग 180 आरपीएम एंड आफ्टर 20 सेकंड इट इज रनिंग एट 120 आरपीएम. हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक एंड व्हाट टाइम विल इलैप्स बिफोर इट स्टॉप If the retardation is uniform. तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या गिवन है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट 180 आरपीएम गिवन है, जिसको मैंने रेडियन पर सेकंड में चेंज करने किया तो 6/5 रेडियन पर सेकंड हो गया. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है 120 आरपीएम, इसको भी रेडियन पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो ये 4/5 रेडियन पर सेकंड बन जाएगा. टाइम टी 20 सेकंड गिवन है. अब रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील बिफोर इट स्टॉप, उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा फाइंड आउट करेंगे. तो अल्फा के लिए हमारे पास क्या है, दो तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहले हम क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और हमारा जो अल्फा आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा. कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा प्लस टी में हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू माइनस का 0.1 पाई रेडियन पर सेकंड आएगा, ठीक है. तो ये जो माइनस का 0.1 है, यानी ये जो माइनस साइन है, ये क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन को शो कर रहा है, जो कि हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है, गिवन है कि रिटार्डेशन लग रहा है, ठीक है. इसी अब नेक्स्ट हमारे पास क्या मेथड है कि हमको ऑलरेडी जब गिवन है रिटार्डेशन है तो हम क्या करें, हमारे फॉर्मूले में ही माइनस का अल्फा टी कर लें, ठीक है. ओमेगा ओमेगा नॉट माइनस का अल्फा टी करते हैं तो जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास जो रिटार्डेशन है वो 0.1 रेडियन पर सेकेंड होगा. तो दोनों तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों ही सही होते हैं. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा है, ठीक है. यहाँ पर हम लोगों ने क्या अप्लाई किया, कंसिडर किया कि ओमेगा जो है वो जीरो है, यानी फाइनल में जो जीरो पे
पहुंच के वो रेस्ट होगा, ठीक है। तो ओमेगा जीरो है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मेरी 180 आरपीएम है, ठीक है, और अल्फा मेरा कितना है, माइनस का 0.1 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। इस ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरे पास थीटा कितना आ जाएगा, 180 रेडियन आ जाएगा। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन होता है, तो 180 पाई रेडियन इक्वल टू 90 रिवॉल्यूशन बन जाएगा। अब मुझसे नेक्स्ट पूछा गया था टाइम इन विच व्हील विल कम टू रेस्ट, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी में सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो टी के वैल्यू मेरे पास 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन आरपीएम एट द एंड ऑफ 2 मिनट इफ इट इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एट द रेट ऑफ 0.3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इन हाउ मेनी मिनट पुली विल कम टू रेस्ट। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन अल्फा वन गिवन है 0.5 रेडियन पर सेकेंड, टाइम टी वन गिवन है 2 मिनट यानी 120 सेकेंड, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू 573 आरपीएम आ जाएगी। टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने माना कि टी टू टाइम पे क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी टू मैं यहाँ पे इक्वेशन रखूंगी, यहाँ से मैं टी टू की वैल्यू 200 सेकेंड यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।